निकल गए यार दोस्त। ओ भाई इस दो दिन के जीवन में अहंकार करके क्या फायदा। चलो हम सब मिलके आपस में पट जाते हैं। तुम मुझे पटने की कोशिश करो, मैं हंस हंस कर पट जाऊंगी। अच्छा तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं मनास नेशनल पार्क। मनास नेशनल पार्क मतलब बाघों का राज्य। टाइगर्स के लिए फेमस है मनास नेशनल पार्क, और यहाँ पर गेंडा आप लोगों को पिछवाड़े में सिंह मार के उड़ा भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मनास नेशनल पार्क। मनास नेशनल पार्क में कई वैरायटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि टाइगर्स, राइनो, एलिफेंट, वाटर बफेलो और अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु और पशु पक्षी। ये है मनास रिवर। इसकी खास बात ये है कि ये भारत और भूटान के बीच में सीमा बनाती है। मनास नदी के इस तरफ भारत है तो इसके ऑपोजिट साइड पर भूटान है। भारत के साइड में जो है उसको बोलते हैं मनास नेशनल पार्क, और भूटान के तरफ जो है उसको बोलते हैं रॉयल मनास नेशनल पार्क। मनास नेशनल पार्क में एंट्री करने के लिए आप लोग ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। डिटेल्स आप लोगों को गूगल पे मिल जाएंगे। दोस्तों अभी हम पी लेते हैं पानी, ताकि हमारे पीछे बाघ पड़ जाए तो हम दौड़ सके। पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद इतना एनर्जी आ जाएगा कि बाघ भी हमारे साथ दौड़ नहीं पाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जिप्सी है। अभी मैं चलाऊंगी और मैं चला के इन लोगों को टाइगर के सामने रख दूंगी और मैं अकेले भाग जाऊंगी। वाह दीदी वाह दीदी। तो दोस्तों अभी मैं चलाने वाली हूँ इसको, और अभी खोलते हैं इसका दरवाजा और बैठते हैं यहाँ पे। बैठती हूँ दोस्तों। यहाँ का छवि किधर लगाते हैं यार? अरे भैया छवि किधर है? आ, मिल गया। अभी हम जाएंगे मनास नेशनल पार्क। मैं चलाने वाली हूँ जीप। अभी देती हूँ स्टार्ट। चलो दोस्तों, नहीं मुझे डर लग रहा है, नमती हूँ। बस हवा निकल गई। दोस्तों जिप्सी में कैसे उठते हैं? जिप्सी में उठने की ट्यूटोरियल। अच्छा ये देख लीजिए, सीढ़ियाँ है यहाँ पे, ऐसे पैर रखना पड़ता है, ठीक है समरिया, और यहाँ पर पकड़ना पड़ता है। ऐसे आ जाइए और चले। ये हम चले बाघ के सामने, उनको बलिदान देने के लिए। चुप चुप बोलो भाई, चुप चुप बोलो। दोस्तों ये है गेट मनास नेशनल पार्क का, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा सा गेट है, और यहाँ पर आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे, आप लोग वैसे तैसे नहीं आ सकते। बॉय इसका नाम है किम जोंग, नॉर्थ कोरिया से आया है ये स्पेशली मनास नेशनल पार्क घूमने के लिए। मेरे साथ बलिदान देने के लिए आए हैं सहभाग, हमारा भाई। हेलो बोल दो। हाय हाय। ऑक्टोपस स्पेशलिस्ट, ऑक्टोपस जो खाया था ना यही था, पहली बार ऑक्टोपस खाया था मेरे साथ। और इधर है हमारा भाई। और ये है राहुल भाई, डायरेक्टर है, ये बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है। बैकअप भाई, बैकअप। लेकिन पैसा नहीं लेता है। आप लोग इसको बुला सकते हैं।
फ्री में कर देगा, ये डायरेक्ट कर देगा नहीं। और इधर है हमारा भाई, इसका नाम होंजालू है और हिंदी में इसका नाम है प्रेम। प्रेम नाम है मेरा। एक किलोमीटर भी आगे है, डरने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों जिंदगी में पहली बार जीप में उठी हूँ, वो भी मानस नेशनल पार्क में। मजे ही मजे आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये तो खुला खुला हवा है ना, ये नेचुरल हवा है, ऑक्सीजन 100%, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मजा नहीं आ रहा है, एक भी जानवर नहीं दिखाई दे रहा है। हम सोच के आए थे कि गेंडा हमारे पिछवाड़े में आग लगा देगा, लेकिन गेंडा ही खुद डर गया हमसे। तो भाई लोग, बोलो, अगर बाघ आ गया तुम लोगों के सामने तो तुम लोग क्या करोगे? कैमरा बिल्कुल पीछे। और दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं कैमरा लेके ऐसे खड़ा रहूंगा, क्योंकि कैमरा मैन नेवर डाई, कैमरा मैन कभी नहीं मरते हैं दोस्तों। और ये लोग भी बच जाएंगे क्योंकि कैमरा मैन के साथ रहेंगे। फिल्म में भी देखा हुआ है, हीरो मरता है, विलेन मरता है, लेकिन कैमरा मैन नहीं मरता। बात तो सही है। अरे भाई कहाँ से आए हो आप लोग, कहाँ से आए हो? काजीरंगा। काजीरंगा से आए हैं ये लोग मानस नेशनल पार्क में। वाह क्या बात है। फाइनली हमको रेप्टाइल दिख गया, और अच्छे से नहीं दिखा, बहुत ही दूर में दिखा दोस्तों, अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे दोस्तों जानवर ढूंढते ढूंढते जंगल ही खत्म हो गया, लेकिन जानवर नहीं दिखा। ये तो खुला खुला हो गया, ये खुला खुला हो गया, जंगल में ही जानवर नहीं है, और खुला में क्या ही रहेगा चाले। ओ ये हड्डी का टट्टी है, हड्डी का टट्टी। रुक गया, हमको दिख के रुक गया वो, हम भी रुक गए। अरे वो गेंडा है, गेंडा दो है क्या? दो है। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे दोस्तों। वो लोग चला गया, हम नहीं जाएंगे, मुझे मरना नहीं। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों फाइनली गेंडा दिख गया हमको, हमारे पिछवाड़े में अभी आग लगाएगा, सिग्नल देगा, और हम लोग जा रहे हैं उसके सामने। हम लोग जा रहे हैं, उस लोगों को दिखाओ ना, वो लोग भी गया। ओ भाई बहुत ही ज्यादा रिस्क लेके जा रहे हैं हम, बहुत ही ज्यादा रिस्क लेके जा रहे हैं। सामने से है गंदा, देख लीजिए हम लोग, गेंडा राइनोसरस। मैं आपको बोल दिया मैंने इतना पास में जाना, और सूप साफ रहना पड़ता है दोस्तों। देखो देखो सामने है, जूम करो तो, ये देख लीजिए। और दोस्तों ये जो गेंडा है ना, बहुत ही ज़रा पीछे पड़ जाता है, मतलब। और दोस्तों गेंडा मेरे सामने है, ये प्रभु, ये हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये गेंडा है। और दोस्तों बच गए हम, बाय बाय गेंडा, लव यू, हमको बख दिया, लव यू, बाय बाय। और इधर भी है दोस्तों। और दोस्तों फाइनली गेंडा हमारे पिछवाड़े में सिंह नहीं घुसाया, हम बच गए। कितना लकी है, फूटा कपल में थोड़ा सा बाटी, क्या कहते हैं इसको, हमारा जो कपल है फूटा था ना, थोड़ा सा बट गया है अभी। अरे कहना क्या चाहते हो? एक सिंह वाला घर असम का नेशनल एनिमल है, असम का संपद है। ओके ओके। अरे एलिफेंट भी था, हमको दिखाई नहीं दिया, ये भैया लोगों को, ये काजीरंगा वालों को दिखाई दिया, ये काजीरंगा से आया है ये लोग, इन लोगों को दिखाई दिया है एलिफेंट, हमें तो दिखाई नहीं दिया। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं
अभी यहाँ से उतरते हैं सीढ़िया सर के। ओह माय गॉड, अभी मैं गिर जाती दोस्तों, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जंगल के बीच में ऐसे घर मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग रेस्ट ले सकते हैं और ऊपर जाके वॉच टावर भी है, ऊपर जाके आप लोग नजारा देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों इधर है हमारा भाई, इन्होंने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया है, इनके थ्रू ही हम आए हैं। थैंक यू सो मच हम लोगों को इतने अच्छे से घुमाने के लिए, इतने अच्छे से गेंडा दिखाने के लिए। वाओ, वो मेरा सब खुद का है, सब सारे लगा मेरा। हां सुन लीजिए इंट्रोडक्शन इसका, देखो बफेलो बफेलो, देखो कितना बड़ा है। और दोस्तों ये बफेलो का सिंह रियल है, रियल एकदम रियल ओरिजिनल 100% ओरिजिनल है। और इसका देख लीजिए सिबू का सिंह भी है इसका। इसको सिबू का सिंह बोलते हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा था इसका, ये जो होता है ना सिबू का सिंह बोलते हैं इसको, ये सिबू का सिंह है। ये जो है एलिफेंट का स्कल है, मतलब एलिफेंट का मुंडी है। ये जिंदा नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, ये मर चुका है, एकदम ओरिजिनल है दोस्तों, ये एलिफेंट का स्कल है। और दोस्तों कितना सुंदर हवा है, वाओ सुकून मिल गया हमको, सुकून। और दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर से नजारा कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। आप लोग भी आ सकते हैं इस सुंदर नजारा को एंजॉय करने के लिए, आ जाइए आप लोग भी, अभी आ जाइए। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कैमरामैन का स्ट्रगल, और इधर है हमारा टीम, देख लीजिए आप लोग, इधर है हमारा टीम। हाय बोल दो सभी लोग, ये देख लीजिए सब लोग है यहाँ पे। और इधर है हमारा कैमरामैन, ये सो के फोटो खींच रहा है। कैसा कैमरामैन है रे तू, कैसा कैमरामैन है, किसने सिखाया तुझे ऐसे फोटो खींचना? मेरे को जो ससुर है ना, वो ससुराल भी बोल रहा, उसने सिखाया। क्या बोल रहा है माँ, कुछ मुर्गुठा ब्याह के नुकू भी। हमारा भाई जिप्सी को उड़ाते हुए ले जा रहे हैं हमको, उड़ा दो भैया, उड़ा दो, उड़ाने चलो, हेलीकॉप्टर है ये, जिप्सी नहीं है। अरे अरे, ये देख लीजिए प्रिकॉक का प्रेम लीला चल रहा है यहाँ पर, प्रेम कर रहे हैं दोनों, कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। आयो बच्चो बच्चो, अरे मजा आ गया इतने पास से, वो भी जंगली पीकॉक। ओहो, बाय बाय। दोस्तों हमको दिख रहा है एलिफेंट, आगे है आप लोगों को दिखाऊंगी एलिफेंट, वो भी जंगली एलिफेंट, पता नहीं क्या करेगा दोस्तों। कुछ तो नहीं करेगा ना भैया, मैं बच जाऊंगी ना भैया, मर तो नहीं जाऊंगी ना भैया। दंताल हाथी है, दंताल साइलेंट, दो दो है गाइस, कुछ नहीं करेगा ना, कुछ नहीं करेगा ना। गणेश बाबा, हे गणेश बाबा, हे गणेश बाबा, चलो चलो चलो, जय गणेश बाबा, चलो 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 चलो। अरे रुक गए क्यों, जिंदा तो बच जाऊंगी ना भैया। और दोस्तों फिर से जंगल में घुस गए हम, जंगल पहुंच गए और पता नहीं अभी क्या दिखाई देगा, इस बार तो असली जगह में आ गए, असली जगह में खत्म। अगर हमको शेर दिखाई दिया तो वो तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, गेंदा ने तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम उसके पेट में जाके उसको मारना। और दोस्तों अभी हम बैठ गए हैं क्योंकि यहाँ पर शेर भी आ सकता है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तो ऐसे छिप जाते हैं, नहीं तो हमारी मुंडी दिखाई देगा ना उसको, आ जाएगा। ओहो क्या है, इतना सारा कुत्ते, ओ भाई कितना सुंदर आवाज है इसका, ओ भाई कितना डरावना लग रहा है यार। अरे गुफा पहुंच गए क्या, गुफा में आ गए क्या भाई, ओ भाई
ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा है यार, मुझे तो डर लग रहा है सच में। जिप्सी का पावर देखो, जिप्सी का पावर। वाओ कितना सुंदर है। और दोस्तों वहां पर जंगली बाफेलो है, खतरनाक है ये, खतरनाक खतरनाक है। आप लोगों ने वीडियो पे देखा ही होगा कितना खतरनाक है ये। अरे जंगली है क्या ये, जंगली? अरे जंगली एलिफेंट है दोस्तों। ए देख लीजिए वो एलिफेंट खेल रहा है, पानी से खेल रहा है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। देखो ऐसे ऐसे लेके ऐसे पी रहा है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं टाइगर का नाखून का निशान है, ये टाइगर ने ऐसे नाखून मारा था इस पे, देख लीजिए। वाओ इधर टाइगर है मतलब। भैया चलो 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 स्टार्ट दो। तो दोस्तों हमको दिख गया हॉर्नबिल, देख लीजिए कितना बड़ा है, ऐसा है रे बाबा, ऐसा है एकदम, देख लीजिए हॉर्नबिल कैसा है हॉर्नबिल। इसको शिराखाना में देखते हैं, इसको ऐसे ही नहीं देखते दोस्तों, इसलिए मानस नेशनल पार्क खास है। अच्छा हमको सिखा रिया है, ये विलुप्त तो हो गया है, मतलब आजकल दिखता है नहीं, लेकिन मानस नेशनल पार्क इसीलिए स्पेशल है। तो दोस्तों फाइनली हमको मिल गया मोथनपुरी, हमारा मेन लोकेशन जहाँ पे हम लोग आए थे, फाइनली दोस्तों मिल गया दोस्तों। वाह और इसका रास्ता कितना ऊंचा है, पहुंच गए मोथनपुरी और इतना सुंदर नजारा है, वाओ दिल को सुकून मिल गया दोस्तों, इतना सुंदर है, इतना सुंदर हवा चल रहा है, वाओ। अभी हम लोग जा रहे भूटान बॉर्डर, आप लोगों को दिखाऊंगी भूटान बॉर्डर कैसा है यहाँ का, मतलब कितना सुंदर नजारा है, वाओ गाइस। वाओ गाइस वहां पे है जंगली एलिफेंट, वो भी ब्लैक 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 है, कितना खतरनाक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग।
तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं भूटान बॉर्डर पे और आप लोग देख सकते हैं रास्ता कितना खतरनाक है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमें एडवेंचरस चीजें पसंद है। और ठोको ताली। और ये रास्ता देख सकते हैं आप लोग कितना खतरनाक है यार। और भूटान बॉर्डर पे हमको मिल गया शेर, ये देख लीजिए, ओ शेर शेर, इतना बड़ा शेर हमको देख रहा है। और इधर है बॉर्डर, वाओ कितना खूबसूरत नजारा है यार। ये है इंडिया, अभी मैं जाके दिखाऊंगी विदाउट पास भूटान। ये है इंडिया और इधर है भूटान, ये देख लीजिए भूटान है ये भूटान। एक ही सेकंड में मैं विदेश पहुंच गई, ये रहा हमारा देश और ये रहा विदेश। सारा का सारा टीम है यहाँ पर, सब लोग आया है मानस नेशनल पार्क। और इन लोगों को पूछती हूँ मैं कैसा लगा इन लोगों को आके, आ जाइए। तो भैया आपको कैसा लगा मानस नेशनल पार्क आके? आप तो बहुत बार आ चुके हैं, अभी 17 बार हो गए, अनगिनत बार आ चुके हैं ये भैया। अच्छा लगा है आकर, स्पेशली मेरे साथ आके मजा ही कुछ अलग ही है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रिवर व्यू, और इतना सुंदर है कितना सुंदर है आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, आ जाइए मेरे पीछे। वाह, ये घर देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर है। देख लीजिए, यहाँ पे आके मानस पे आके आप लोग भी ये व्यू एंजॉय कर सकते हो, कितना सुंदर व्यू है। आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग इतना दूर दूर जाते हैं घूमने के लिए लेकिन हमारे पास ही इतना खूबसूरत नजारा है। आ जाइए आप लोग भी और एंजॉय करिए कितना सुंदर व्यू। तो दोस्तों ये एक म्यूजियम है और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए द टाइगर्स ऑफ मानस, ये आप लोग देख सकते हैं राइनो, इतना बड़ा, रियल में भी इतना ही बड़ा है दोस्तों, 52 एंड काउंटिंग, मतलब 52 अभी मिल रहे हैं लेकिन अभी भी काउंट कर ही रहे हैं कितना है। वाओ 52 से भी ज्यादा है, ये आप लोग देख सकते हैं। रियल टाइगर तो हमने नहीं देखा इसलिए नकली को ही देखते हैं। और तो दोस्तों हमको दिख गया स्क्विरल, मतलब इतना खूबसूरत था उसका जो फर होता है ना, कितना खूबसूरत था। और दोस्तों जंगल के बीचों बीच हमारा जीप रुक गया है, तेल खत्म हो गया है दोस्तों, अभी शेर आ गया तो क्या करूंगी, चलो भैया जल्दी, तेल खत्म हो गया क्या। और दोस्तों फाइनली तेल डाल दिया है, अभी मेरे जान में जान आ गया है दोस्तों, अगर राइनो के सामने तेल खत्म हो जाता तो। और दोस्तों फाइनली हमको दिख गया हिरन, ओए वो भाग गया। फाइनली हमको दिख गया हिरन, वाओ कितना क्यूट है, कितना छोटा सा था। और दोस्तों एक और दिख गया हमको, देख लीजिए कैसे देख रहा है यार, वाओ कितना बड़ा है यार। फाइनली वाओ दोस्तों फाइनली एक और हॉर्नबिल दिख गया हमको, और इतने पास से, वो भी इतने पास से, और उसका जो सिर है बहुत ही बड़ा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा है। भाई सिर कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
बज चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे बेकी जंगल उच्च रिजॉर्ट। आ जाइए आप लोग, कितना खूबसूरत है दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। और दोस्तों इसी रिजॉर्ट से ही हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया था और सही सलामत वापस लौटे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ओके। इतने अच्छे से मैंने आप लोगों को दिखाया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है और एक शेयर तो जरूर बनता है दोस्तों। आप लोग भी आइए मानस और सुंदर नजारा का आनंद लीजिए। लव यू गाइस, बाय बाय।